हम वही चाहते हैं कि रिटर्न में दे दीजिए हमें स्थानीय नागरिकों को वही जो आप कह रहे हैं। ये वीडियो जबलपुर का है, जहां पर जबलपुर पाटन मार्ग पर लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल नाके बनाए जा रहे हैं, जिसका किसान खुलकर विरोध कर रहे हैं। स्थानीय किसानों ने शनिवार को टोल नाका निर्माण के पास टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल नाका बना दिए गए हैं और सरकार इनके माध्यम से किसानों से वसूली करना चाहती है। इस धरना प्रदर्शन में भाजपा और कांग्रेस के साथ कई दलों के किसान नेता भी शामिल हुए, जिन्होंने MPRDC द्वारा बनाए जा रहे टोल नाके को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। मौके पर मौजूद किसानों में इस टोल नाके को लेकर भारी आक्रोश देखा गया। किसानों का कहना है कि ये पूरा क्षेत्र कृषि प्रधान है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों किसानों के वाहन जबलपुर पाटन मार्ग पर आते और जाते हैं। फसलों की खरीद के दौरान किसान दिन में कई बार अपने वाहनों फसल को मंडी ले जाते हैं और वापस आता है। ऐसे में हर बार आने जाने से टोल नाके पर किसानों को आर्थिक बोझ तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ उन्हें लाइन में लगकर समय भी बर्बाद करना पड़ेगा, जो कि किसान के लिए बेहद मुश्किल है। मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो टोल टैक्स लगाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। हम लोगों के साथ, न सिर्फ किसान के साथ, यहाँ के क्षेत्रीय जनों के साथ अन्याय हो रहा है। लगभग 10 किलोमीटर में 3 टोल टैक्स, पूरे हिंदुस्तान में ये कहीं नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर लें तो क्या हम लोग ही एक्स्ट्रा हैं? क्यों लगाया जा रहा? 5 साल हो गए इस रोड के बने हुए, ठेकेदार की SD रिलीज हो गई, ठेकेदार को जो फायदा दिलाना था दिला दिया गया, अब उसके बाद आकर के यहाँ टोल टैक्स लगाया जा रहा है, ये कहीं नहीं हुआ। और आपको बता दूं कि अभी जब SD रिलीज हुई है, उसके पहले इस रोड की मेंटेनेंस होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। ये जो रोड आपको साइड में यहाँ दिख रही है, आप दिखा दीजिएगा बाद में, इसमें रोड से और इसकी जो साइड पट्टी है वो 4 इंच नीची है। यहीं की मिट्टी खोद के JCB से यहाँ डाल दी गई, जो कि दब चुकी है। दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ये है। अभी तो इन 3 दिन पहले यहाँ पर एक महिला की अकस्मात मृत्यु हो गई, और वो इसलिए हो गई कि सामने से लाइट जा रही थी, रोड के ऊपर गिट्टी रखी थी ठेकेदार द्वारा, और उस गिट्टी के ऊपर उसकी मोटरसाइकिल चढ़ी, जिसके गिरने से सिर पे चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। और संवेदनहीनता देखिए शासन की, कि वो लाश वहाँ पड़ी है। अगर हमारे सुनील भाई ये नहीं आते उस समय, सुनील पटेल जी जो किसान संघ के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, उन्होंने आकर उसको अंत्येष्टि के लिए व्यवस्था बनाई, उसको भेजा गया शासन से दबाव बनाकर, और उसकी FIR दर्ज कराई गई। तो इतनी लापरवाही हो रही है। अभी MPRDC की 10 रोडें और हैं इस क्षेत्र में। अगर हम आज जागरूक नहीं हुए किसान भाइयों, तो आगे वाले समय में 10 रोडों पर और टैक्स लगा दिया जाएगा। मेरा शासन से निवेदन है कि हर कीमत पर। एक तरफ सरकार किसानों की आय बढ़ाने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की योजनाएं निकाल कर किसानों से वसूली भी की जा रही है। किसानों के धरना प्रदर्शन की जानकारी प्रशासन को भी थी, और आंदोलन शुरू होते ही पाटन तहसीलदार सुरभि जैन और MPRDC के अधिकारी धरना स्थल पर पहुंच गए, जिन्होंने किसानों से बात की और उन्हें राजपत्र के विषय में जानकारी दी। पाटन जो नुनसर में जो हमारा गांव है, वहां पे जो टोल नाका बन रहा है, उसमें किसानों को ये दिक्कत आ रही है। उन्हें ये लग रहा है कि सारे व्हीकल्स पे जो है वो टोल का चार्ज लगेगा, लेकिन जो हमारा गजट आया है MPRDC के लिए, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ जो हमारे कमर्शियल व्हीकल हैं, जो बड़े वाहन हैं, सिर्फ उन्हीं पर टोल टैक्स लगेगा। ना आपके कृषि, जो कृषि का सामान ले जा रहे हैं उन पर लगेगा, और ना ही हमारे निजी वाहनों पर लगेगा। तो ये स्थिति उनको स्पष्ट कर दी गई है, और बाकी वरिष्ठ अधिकारियों से और जानकारी लेके उनको लेटर पैड पे भी हम जानकारी दे देंगे क्लियर करके। बाकी गजट में हमारे साफ लिखा हुआ है कि बड़े वाहनों पे ही सिर्फ हमारा टोल टैक्स लगेगा, छोटे वाहनों, निजी वाहनों पे और कृषि जो उपकरण लेके जा रहे हैं उन पे नहीं लगेगा। मैडम, किसानों का कहना है कि यहाँ पर जो है 20 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल नाके हैं जी, तो ऐसे में यहाँ पर पाटन जबलपुर रोड पर टोल नाका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं? चूंकि शासन से ही योजना आई है, CM साहब की ओर से घोषणा हुई है, तो उन्होंने कुछ सोच के या विचार करके कमर्शियल जो उनको टोल नाका बनाना है उसकी उन्होंने घोषणा की है। लेकिन सिर्फ ये कमर्शियल है, यहाँ के आम लोगों के लिए, आम किसान के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। बता दें कि किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि टोल नाका बनाने का काम जारी रहता है, तो आने वाले दिनों में पाटन जबलपुर मार्ग के हजारों किसान इस सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि किसानों की इस चेतावनी पर शासन और प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। पंजाब केसरी TV के लिए जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।